ज्वाइन करने का कोई रीजन नहीं था, रीजन सिर्फ मेरा बेटा था जो बहुत ज्यादा सोता रहता था और बहुत टाइम होता था मेरे पास, तो एज अ टाइम पास मैंने ज्वाइन किया था। उस टाइम मैं अपनी आईएएस की प्रिपरेशन कर रही थी, सोच रही थी कि चलो इससे कुछ इनकम हो जाएगी तो अपनी कोचिंग के लिए हो जाएगा, घर बैठे कुछ करने के लिए। तो ज्वाइन किया, उस टाइम कुछ ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था और इतना ओरिफ्लेम के बारे में कुछ पता ही नहीं था। ओरिफ्लेम है क्या, है क्या करना है, कैसे करना है, कुछ भी नहीं पता था। सिर्फ 198 बीपी किए और 2 बीपी से लेवल छोड़ दिया। अभी अपनी टीम में बोलूं बेटा तेरा लेवल रह रहा है, 50 बीपी से कर ले, तुरंत डाल देते। और मैंने ओनली 2 बीपी से लेवल छोड़ दिया। लेकिन उस टाइम सब लोग एक दूसरे को कांग्रेचुलेशन बोले जा रहे बोले, और मैं बैठ के रो रही थी 2 बीपी से लेवल भी छोड़ दिया। तो फिर मैंने सोचा अब तो करना है, कुछ भी हो तो करना ही है। नेक्स्ट मंथ में सीधे 369% किया मई में, और जून में मैंने 12% और 15% किया, और फिर जुलाई में 18% किया, और अगस्त में सीनियर मैनेजर। सितंबर में मैंने अपने डाउन से सीनियर मैनेजर बनाया, अक्टूबर में सीनियर डायरेक्टर स्टार्ट किया, और अभी मैंने अप्रैल 2019 में मैंने अपना गोल्ड स्टार्ट कर लिया। सबसे ज्यादा थैंक यू मेरी अपलाइंट को रचना अग्रवाल, जो मैं उनको बोल रही थी मैं छोड़ रही हूँ, मैं आईएएस करूंगी, मैं ये छोड़ रही हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे बोला नहीं तुम करो तो सही करो। फिर उसके बाद सविता मैम जिन्होंने मुझे हर दूसरे दिन क्यों नहीं कर रही है, तू बोल रही छोड़ रही हूँ, मैं कहा नहीं छोड़ रही, और अभी तो आईएएस अच्छा किया छोड़ दिया।